सो हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एपिक्स लेजेंड मोबाइल में जो गिब्राल्टर कैरेक्टर है, सॉरी लेजेंड है, इसके बारे में सारी चीज़ें क्या है, इसको लेकर रैंडमली रैंक पुश किया जा सकता है। सो सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड हाँ, इस वीडियो में भी 20 लाइक्स एंड 10 सब्सक्राइबर का लाइक है मैं। सो जल्दी से जल्दी कर दो एंड सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। अब देखो, सबसे पहले आते हैं क्या एपिक्स लेजेंड मोबाइल में गिब्राल्टर को लेकर सोलो रैंक पुश या फिर रैंडमली रैंक पुश पॉसिबल है। अब मैं बोलूँगा हाँ भी और नहीं भी। अब हाँ भी और नहीं भी किस लिए, सो ये एंड में बताऊँगा। ये उन लोगों के लिए, देखो भाई, सबका खेलना के तरीका तो मेरे तरह नहीं होगा ना। अब बहुत सारी चीज़ें मैं एंड तक ज़रूर बता दूँगा। सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैसिव एबिलिटी की, जो कि है इसका हाथ में लगा हुआ शील्ड। अब देखो गाइस, हाथ में लगा हुआ जो शील्ड है ना, ये मेरे को कतई ज़्यादा तड़कता भड़कता कुछ भी लगता है। बस अगर आपके पास एक ब्लू शील्ड है और हाथ में भी एक ब्लू शील्ड है, ठीक है, ये भी ब्लू शील्ड है जो हाथ में है, सो दोनों मिलकर बन जाता है 50-50 का 100 HP का शील्ड, क्योंकि दोनों ही बॉडी को कवर करते हैं, ना ही पैर को कवर करते हैं और ना ही हेड को कवर करते हैं। हेड के लिए अलग से आपको हेलमेट लेना पड़ता है। सो बस यही समझ लो कि जब आपके पास पर्पल रहेगा तो आपके पास रेड शील्ड रहेगा, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट होने वाला है इसका। एंड एक और बेनिफिशियल है जो कि है, आपका जब शील्ड जो है टूट जाएगा, तब आपके पास, सोचो कि आपके पास बहुत सारे टीम्स है, अभी बहुत सारे टीम लड़ाई कर रहा है, अब आप जो शील्ड को रिचार्ज नहीं कर सकते हो, अब आपको चाहिए ये वाला ब्लू शील्ड जो कि आपके हाथ में लगा हुआ है, ये अपने आप रिचार्ज होते रहेगा, आपको खुद से रिचार्ज करना नहीं पड़ेगा। सो ये भी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब मैं ये बताऊँगा कि इसका जो, सॉरी मैं नहीं, अब मैं बात करता हूँ इसके डोम के बारे में। कि एक और बात भी बता दूँ कि मैं इस लेजेंड को लेकर क्यों खेल रहा हूँ, एंड 2-3 दिन से खेल रहा हूँ, अब देखो, मैं पहले जो है फ्री फायर खेलता था, एंड उसमें जो है मैं क्रोनो नाम जो रोनाल्डो कैरेक्टर है उसमें, उसको लेकर खेलता था। उसके बाद से जो मेरा जो वो वाला शील्ड था ना, वो शील्ड का स्वाद देता है ये अपना गिब्राल्टर, अपना ये वाला लेजेंड हमको वो वाला स्वाद दे देता है, एंड उसी टाइप का गेम प्ले मैं इसमें भी थोड़ा बहुत कर पाता हूँ। सो इसलिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, एंड वो वाला वाइब भी आता है मेरे को, एंड इसलिए मैं जो है इसको लेकर खेलता हूँ। एंड मैं ये भी बताऊँगा कि ये किन लोगों के लिए है। अब बात करते हैं इसके जो शील्ड के बारे में। अब देखो, इसका शील्ड का मैं एक क्लिप दिखाऊँगा, ठीक है, वो क्लिप भी देख लो कि ये क्या कुछ मदद कर सकते हैं। सो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस पर जो है मैं एक फाइट कर रहा हूँ, एंड इस पर मैं सैंडविच बन चुका हूँ, क्योंकि सामने भी बंदे पीछे भी बंदे, एंड मेरा नेटवर्क का इशू दे रहा है, मेरा नेटवर्क चल रहा है 500 का पिन। अब देखो, इस समय पर अगर मेरा जो शील्ड नहीं रहता ना, एंड इस बंद ये जो ब्लड हंट है इसको डराता नहीं ना, तो मैं कसम से मर ही जाता, क्योंकि चारों तरफ से मेरे ऊपर गोलियां पड़ती, तो मैं तो ऐसे ही मर जाता, ठीक है। अब बात करते हैं इसका शील्ड। अब देखो, शील्ड जो यूज़ करने का एक नेक्स्ट लेवल का तरीका दिखा देता हूँ मैं। गाइज, ये वो वाला गेम प्ले है जहाँ पर मैं जो शॉर्ट रेंज पर भी, सॉरी मिड रेंज पर जो है मारपीट कर रहा था, ठीक है। सो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, हो सकता है आपका किल से ज़्यादा आपका असिस्ट हो, सो बुरा नहीं मानने का, क्योंकि ये एक लेजेंडी ऐसा बनाया गया है कि आपका किल से ज़्यादा ये आपके दोस्त की मदद में आएगा। सो रैंडमली को भी थोड़ा बहुत मदद कर देना, ठीक है, बुरा मानने का कोई बात नहीं है, वैसे भी रैंडमली भी कभी कभी अच्छे होते हैं। एंड दूसरी चीज़ बात करते हैं इसका बमांड के बारे में। सो सारी चीज़ इसी गेम प्ले के ऊपर है, मैं दिखाता हूँ, रुको। एंड सबसे पहले मैं जो शॉर्ट रेंज के लिए इसको ले लेता हूँ, एंड मैं अपना डोम खड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि अब देखो मैं चलाने का तरीका थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, ठीक है। डोम चलाने का, डोम मैंने खड़ा कर दिया, लेकिन वो मेरे लिए क्या है ना, वो मेरे लिए कवर की तरह काम करता है, अगर आपके आसपास कवर नहीं है तो, ठीक है, नहीं है तो। अब देखो, मैं पीछे से घूम के पहले इसको मार लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक को नॉक कर दिया, अब दूसरा कहीं से तो आ रहा है, अब इसको भी मारने की कोशिश। देखो, ये पहले मेरे को मारा, 2-3 गोली मारा, उससे ज़्यादा ही मारा शायद से, लेकिन ये मेरे को एक भी डैमेज पता नहीं क्यों नहीं आया मेरे पास एक भी डैमेज।
अब देखो मैं अपना बम्बार्डमेंट यूज़ करता हूँ इस जगह पर यूज़ करना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे ही बंदे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी थ्रो कर दो। अब मैं मिड रेंज से इसने भी यूज़ कर दिया, मैं तब डोम खड़ा कर लेता हूँ। डोम से भी डैमेज पड़ता है, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है, डोम से भी डैमेज पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डोम से जो है उसका थोड़ा बहुत जो साइड का है उसका नहीं पड़ेगा, जो अंदर गिर चुका है उसका ज़रूर पड़ेगा। अब मैं ग्रेनेड कर देता हूँ यहाँ पर, उन लोगों का भी डैमेज गिरा मैंने देखा है, एंड एक को स्नाइपिंग करके, ये देखो मेरे को किल नहीं मिला, मेरे को मिला असिस्ट, ठीक है। सो यही होगा बार बार, एंड आप लोग ज़्यादातर स्नाइपिंग करना इस लेन को लेकर खेलोगे तो। एंड आप लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं अपना जो मेन फेवरेट कैरेक्टर है जो मेरे को सूट करता है वो चीज़ मैं ढूंढ पाया हूँ। सो बस यार वीडियो यही तक था। जय हिंद, वंदे मातरम।